अरे छोड़ देंगे तो लड़ेंगे तब ना, वो पहले गद्दी सौंपेंगे, लड़ेंगे तो गद्दी सौंपनी पड़ेगी ना। तो क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपने के लिए तैयार है? ये तो समझौता हुआ था कि गद्दी सौंप देंगे, लेकिन पलट गए, अपनी आदत के अनुसार पलट गए। वो 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो कौशलेंद्र क्या जिसको बोल देंगे वो सीट छोड़ देगा? लेकिन सवाल तो ये है ना, क्या वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे? तो 6 महीना पहले तक तो ललन सिंह हर महीने के अंतिम रविवार को टीवी रेडियो खोल कर मन की बात सुना करते थे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साफ कहा है कि पहले बिहार की गद्दी छोड़ दें, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ें। जिस तरीके से नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए नालंदा का सीट हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, उसको लेकर साफ कह दिया कि पहले तो पलट जाते हैं अपनी बात से। पहले तो समझौता हुआ था ना राजद से कि सीट जो बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो दे देंगे राजद को और अपने हट जाएंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं, फिर से अपने बात पे पलट गए। वहीं ललन सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पूरा बयान सुने आप। अच्छी बात है, खाली कर देंगे, कौन मना, लड़ेंगे तो सीट छोड़ देंगे हम। अरे छोड़ देंगे तो लड़ेंगे तब ना, वो पहले गद्दी सौंपेंगे, लड़ेंगे तो गद्दी सौंपनी पड़ेगी ना। तो क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपने के लिए तैयार है? ये तो समझौता हुआ था कि गद्दी सौंप देंगे, लेकिन पलट गए, अपनी आदत के अनुसार पलट गए। वो 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो कौशलेंद्र क्या जिसको बोल देंगे वो सीट छोड़ देगा? लेकिन सवाल तो ये है ना, क्या वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे या सांसद ही बने रहेंगे और मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे? तीसरे नीतीश जी पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़िए और तब चुनाव लड़ने के बारे में सोचिए। अरे भाई 6 महीना पहले तक तो ललन सिंह हर महीने के अंतिम रविवार को टीवी रेडियो खोल कर मन की बात सुना करते थे, और 6 महीने में मन की बात खराब हो गया। अरे दुनिया के इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मन की बात ने कि एक प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक बात नहीं करता है। पूरे देश, दुनिया के अंदर सुदूर इलाकों में जो लोग सामाजिक जागरण का कार्य कर रहे हैं उनके बारे में, उनको वहां पर लाया जाता है, उनकी चर्चा की जाती है, और इस प्रकार के गैर राजनीतिक कार्यक्रम का भी विरोध करते हैं। अरे विरोध के लिए विरोध मत कीजिए। इसे मन की बात के कार्यक्रम का जदयू और राजद के विरोध करने से नहीं होता, आम जनता ने उसको अपना लिया है और करोड़ों लोग हर महीने मन की बात के कार्यक्रम को सुनते हैं। तो आपने साफ सुना किस तरीके से सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार तो हर बात पे पलट जाते हैं। वहीं ललन सिंह को लेकर भी कह दिया, जो आज मन की बात का विरोध कर रहे हैं वो 6 महीना पहले रेडियो और टीवी लेकर बैठ जाते थे महीने के अंतिम में यही सुनने के लिए मन की बात, आज और आज पलट गए हैं, ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ललन सिंह पर और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने, अब देखना है कि जिस तरीके से ये बातें उठ रही हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले समय में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर क्या बातें सामने आती है। फिलहाल खबरों से इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।